हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्ट जो है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संतुलन के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में भी आता है, नीट और आईआईटी एग्जाम लेवल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संतुलनों के बारे में, जो कि खूब सारे चीजें योजना के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ पे चलते हैं अपन। होमो, होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है असमान। होमोलेप्टिक क्या होते हैं? जो होमोलेप्टिक संकुल है ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ जुड़ने वाले लिगेंडों के दाता परमाणु यदि समान हो तो उन्हें हम होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े दाता परमाणु समान होते हैं होमोलेप्टिक संकुल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है K4Fe(CN) का होल 6, तो एक केंद्रीय परमाणु हो गया और ये क्या हो गया, इसका लिगेंड हो गया CN, और कार्बन क्या हो गया, इसका दाता परमाणु हो गया। तो सब में दाता परमाणु कौन है? यहाँ पर कार्बन है। तो इसीलिए जो संकुल है वो कौन सा रहता है? होमोलेप्टिक संकुल हो जाता है। ऐसे ही अपन देखेंगे ये CU है और ये NH3 का होल 4 है प्लस 2। अब यहाँ पर कॉपर के साथ जो एमीन है NH3, ये NH3 का नाइट्रोजन परमाणु सब में समान है, दाता परमाणु पर इसमें नाइट्रोजन है, तो इसमें भी कौन सा संकुल होगा? होमोलेप्टिक संकुल होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे दाता परमाणु समान है। कौन से हैं? एमीन के रूप में, एनएसट्री के रूप में, इसीलिए ये भी किसका एग्जांपल हो जाता है? होमोलेप्टिक संकुलों का हो जाता है। तो बिल्कुल इजी है, दोनों का मतलब समान। ये सारे लिगेंड समान हो तो होमोलेप्टिक। जैसे इसमें केवल CN है, इसमें केवल NH3 है, तो ये किस प्रकार का हो गया आपका? होमोलेप्टिक संकुल हो गया। अब बात करते हैं अपन हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रो का मतलब वही असमान, यानी लिगेंड क्या हो अलग अलग। जैसे मान लीजिए यह है CO NH3 का होल 4 और मैंने यहां लगा दिया Cl2, ठीक है। अब मैंने यहां लगा दिया, तो यहां पर लिगेंड क्या हो अलग अलग हो गए, NH3 और Cl, एमीन और क्लोरीन, ये दोनों जो है लिगेंड क्या है अलग अलग है। जब लिगेंड अलग अलग हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक संकुल कहेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपका कॉपर है, कॉपर के अंदर H2O का होल 2 और ये Cl। अब इसमें H2O अलग लिगेंड इसका ऑक्सीजन दाता परमाणु है, Cl का क्लोरीन दाता परमाणु है, अलग अलग दाता परमाणु है, तो ये किस प्रकार का लिगेंड हो गया आपका? हेट्रोलेप्टिक संकुल हो गया। तो दोबारा देखते हैं अपन कि होमोलेप्टिक क्या कहेंगे और हेट्रोलेप्टिक किसे कहेंगे। होमोलेप्टिक ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े या केंद्रीय परमाणु के आयन से जुड़े सभी लिगेंडों के दाता परमाणु समान हो होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं, और जिनमें अलग अलग हो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े जो लिगेंड है उनके दाता परमाणु यदि अलग अलग हो, लिगेंड अलग अलग हो, तो उसको अपन हेट्रोलेप्टिक संकुल कहेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कि क्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। पहले मैंने आपको बताया था कि इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु आयन कहेंगे और उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसे कहेंगे।
तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए सभी लिगैंडों और प्रत्यायनों को हटाने के बाद जो केंद्रीय परमाणु के ऊपर जो भी आवेश रहता है उसी आवेश को हम केंद्रीय धातु परमाणु की ओक्सीकरण संख्या कहेंगे। दोबारा देखते हैं कि जब किसी संकुल के लिगैंड और प्रत्यायन इनको हटाने के बाद जो केंद्र धातु या परमाणु या आयन पर आवेश रहेगा उस आवेश को हम केंद्रीय धातु परमाणु की ओक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए K4 Fe का होल 6। अब इसमें जो फेरस के ऊपर अपन पोटेशियम भी यहाँ से हटा दे, सीएन भी यहाँ से हटा दे, केवल फेरस रहे तो इस फेरस पे जो भी आवेश रहेगा वही इसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। और नामकरण के अंदर ऑक्सीकरण संख्या को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के आगे छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या में लिखा जाता है। अब जब बात करते हैं अपन कि किस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जाती है, तो देखिए इसमें सबसे पहला नियम है प्रत्यायन केंद्र परमाणु में आयन तथा लिगैंड इनके आवेशों का योग हमेशा शून्य होता है। प्रत्यायन केंद्रीय आयन तथा लिगैंड इन तीनों के आवेशों का योग हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। यानी इनका सब योग निकालोगे आपको कितना मान के चलोगे, इसको शून्य मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम का आवेश कितना होता है, प्लस वन होता है। कितने हैं, फोर है, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस फेरस, फेरस के आपको ऑप्शन संख्या निकालनी है इसलिए एक्स मान लो। और सीएन, सीएन का जो है माइनस वन होता है, और कितना है ये सिक्स है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सिक्स से, इक्वल कितना मानना है आपको, जीरो मानना है। तो हमेशा क्या रहे प्रत्यायन केंद्रीयन और लिगैंड इनके तीनों के आवेशों का योग हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, फोर प्लस एच कितना हो गया माइनस सिक्स इक्वल जीरो। माइनस सिक्स में जब फोर गए तो कितना बच गया यहाँ पर, माइनस टू इक्वल जीरो, तो एच इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस। यानी फेरस की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है, प्लस टू। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार से अपन केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। दूसरा नियम में बात करूं तो किसी भी समन्वय मंडल यानी जो बड़ा कोष्टक होता है उसके ऊपर जो आवेश होता है वह आवेश केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड दोनों के आवेशों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यह आपका कोई एग्जाम्पल है CO NH3 का होल 6 प्लस 3, ये कोई एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। अब ये प्लस 3 क्या है कि केंद्रीय आयन या परमाणु तथा लिगैंड इनके आवेशों का योग हमेशा क्या होगा, उसके बड़े ब्रैकेट के ऊपर लगने वाली जो हाथ ये किसके बराबर होगी, इसके आवेश के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए आपको मानना है तो कोबाल्ट का कितना मान लो x मान लो, तो निकालना है NH3 का कितना आवेश होता है, जीरो होता है। कितने हैं, 6 से मल्टीप्लाई किया इक्वल क्या आएगा यहाँ पर, जीरो नहीं आएगा, अपनी बार क्या आएगा, बड़े ब्रैकेट में जो भी आवेश होगा वो आएगा, तो कितना है प्लस 3। तो कितना हो जाएगा ये x, और ये कितना हो जाएगा जीरो, तो x इक्वल कितना हो गया यहाँ पर प्लस 3। यानी x इसको माना है आपने, कोबाल्ट को माना, तो कोबाल्ट का कितना हो जाएगा ये प्लस 2 जाएगा, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, प्लस 2 होती है। तो इस प्रकार से केंद्र धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की जाती है, इसका प्रयोग इनके आईपीसी नामकरण में किया